जोहार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। यहां रायपुर में बीजेपी कार्यालय पहुंचे, लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री, विधायक और प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि उपज मंडी राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधि स्थल पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर बालोद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम मोहन यादव का छत्तीसगढ़ आने पर आभार जताया और छत्तीसगढ़ के 24 लाख किसानों को सीएम साय ने बधाई दी। योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाई मन के अंतर के जो राशि है ओकर वितरण समारोह पूरे प्रदेश में 151 जगह रखेगी से 151 जगह और 9 से 10 लाख हमर अन्नदाता किसान मन जुड़ीन है 151 जगह में। और बड़े सौभाग्य के बात है कि हमर राजनांदगांव के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने पोस्टर में पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर तंज कसा है। पोस्टर में पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर बीजेपी ने जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है और लिखा है, जांजगीर चांपा की जनता सावधान रहे, पूर्व कब्जाबाज मंत्री की नजर अब आपकी जमीन पर है। कल बीजेपी ने भूपेश बघेल का पोस्टर जारी किया था और अब शिव डहरिया का पोस्टर से टोटी तक ले गए। अब मैंने तो सुना है कि साहब जांजगीर की ओर जा रहे हैं, वहाँ सरकारी जमीन बहुत है, क्या वहाँ भी ऐसा ही करेंगे? हम जन जागरण कर रहे हैं कि नेता जो आपके आ रहे हैं उनकी फितरत क्या है, उनका स्वभाव क्या है, इसलिए पोस्टर जारी हो रहा है। ये कोई आपके ऊपर आक्षेप नहीं है, ये सत्यता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले पोस्टर सियासत जारी है। बीजेपी द्वारा भूपेश बघेल और शिव डहरिया पर पोस्टर जारी करने को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए बीजेपी डरी हुई है और ऐसी हरकतें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हार से घबरा गई है तो इस तरह के हथकंडे और हरकतें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ये सबको पता है, तो इस तरह से ओछी राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। और अब बात करेंगे मुंगेली की, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी पहुंचे। क्लोरमी मानस मंच में उन्नत कृषक उन्नत योजना के तहत आदान सहायता राशि उन्होंने बांटी। इस दौरान पशुधन मेले में पशुपालकों से उन्होंने चर्चा भी की। डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने कहा कि मोदी की हर गारंटी हर वायदा पूरा हो रहा है, सरकार किसानों की उन्नति के लिए काम कर रही है। की एक एक गारंटी लगातार पूरी हो रही है। कितनी बड़ी संख्या में लोगों को सीधे लाभ 3 महीने की सरकार ने दिया है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, 12 लाख किसानों के खाते में राशि डालना 3,716 करोड़, फिर 70 लाख माताओं बहनों के खाते में और आज 24 लाख से अधिक किसानों के, तो एक तरह से पूरा छत्तीसगढ़ इससे लगभग कवर हो रहा है और सबके लिए ये विष्णुदेव साय की सरकार है, जो पालनहारी सरकार है वो सबकी चिंता कर रही है। बस्तर वासियों को आज बड़ी सौगात मिली है। लंबे समय से की जा रही मांग पूरी हो गई है। अब सीधे जगदलपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी जा सकेगी। आज जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में एयर अलायंस की फ्लाइट पहुंची और बस्तर से पहली बार 27 यात्रियों ने दिल्ली तक का सफर पूरा किया। बस्तर सीधे दिल्ली से जुड़ गया।